नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। मैं सभी का स्वागत करती हूं, खैर मकदम करती हूं। कश्मीर में एक के बाद एक हो रही टारगेट हत्याओं का सिलसिला जारी है। आज सुबह 10 बज रहे थे और स्कूल में प्रेयर का टाइम था, अचानक से फायरिंग की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बाहर निकले तो देखा कि उनकी फेवरेट टीचर रजनी स्कूल के गेट से थोड़ी दूरी पे लहूलुहान पड़ी हुई है और पास ही में उनका लाल रंग का बैग और जामनी रंग की उनकी जूतियाँ पड़ी हुई हैं। हमलावर इतना खतरनाक था कि खून रिश्ते जूतियों तक जा पहुँचता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? कश्मीर में शांति स्थापित होने की तमाम खबरों के बीच लगातार वहां से निर्दोष लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 25 मई को कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके साथ ही उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया था। सजा के ऐलान के बाद से ही घाटी में टेंशन का माहौल देखा जा रहा है, वहां तनाव देखा जा रहा है। कश्मीर के बड़गांव में 25 मई की शाम को ही आतंकवादियों ने एक टीवी अभिनेत्री अमरीना भट्ट की गोली मार के हत्या कर दी थी। इस मामले में अमरीना का 10 साल का भतीजा भी घायल हो गया था। 35 साल की अमरीना को आतंकियों ने उसके घर में घुस करके गोली मारी और उन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। ये एक घटना नहीं है, कई घटनाएं लगातार हो रही हैं। तब से बीते एक महीने में आतंकवादियों ने कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए निर्दोष मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। और अगर बीते एक महीने के घटनाक्रम पे नज़र डालें तो अमीना भट्ट की मौत से ठीक एक दिन पहले 24 मई को श्रीनगर में आतंकवादियों ने सरेआम गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और उसकी 7 साल की बेटी घायल हुई। श्रीनगर के सौरा में हुए इस हमले में घायल हुए सैफुल्लाह कादरी ने हॉस्पिटल में जाते हुए दम तोड़ दिया था। वहीं उनकी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इससे पहले 17 मई को आतंकवादियों ने बारामूला जिले के दीवानबाग इलाके में एक नई खुली शराब की दुकान पे ग्रेनेड फेंक दिया था, जिसमें 52 साल के रंजीत सिंह की मौत हो गई थी। 3 लोग उस समय मौके पे ही काफी घायल अवस्था में पाए गए थे। और 12 मई को बड़गांव जिले के ही एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। ऐसा भी सुना जा रहा था कि राहुल भट्ट पर टारगेट करके हमला किया गया है, यानी ये तय करके हमला किया गया था कि इसे मारना है। और हमले के बाद राहुल ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। पर आज ये टीचर के साथ जो घटना हुई है वो भी इसी तरीके से है। सुबह स्कूल के समय 10 बज रहे थे, स्कूल खुलते के साथ ही प्रेयर का समय था और अचानक से फायरिंग की आवाज़ बच्चे सुनते हैं और बच्चे देखते हैं कि उनकी फेवरेट टीचर जो थी वो लहूलुहान पड़ी थी। एक तरह से कश्मीरी पंडित हों, वहाँ की पुलिस हो, घाटी में आम लोगों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है और एक महीने में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इसको लेकर के? ये जो एक टारगेट किलिंग है, ये वहाँ के लोग क्या साबित करना चाहते हैं? तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ शांति बहाल हो और बातचीत जारी है, सब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलगाववादी लोग जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
ये सब घटनाएं जो है दिल को अंदर तक छील के रख देती है। और आप ये समझिए कि जिनके परिवार से ऐसी घटना होती है उस परिवार पे क्या बीतता है, और फिर टारगेट करके किलिंग करना। कुछ दिन पहले ही हम कश्मीर फाइल्स पे बहुत हल्ला कर रहे थे कि इसमें कुछ ज़्यादा दिखा दिया गया है, और ये जो घटनाएं एक महीने की है इनको आप क्या कहेंगे। दोस्तों, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा मेरे कमेंट सेक्शन में। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। और एक बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और घटना से के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।